हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड टेस्ट। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं ली हूँ आधा किलो गाजर। पहले हम गाजर को अच्छी तरह से धो लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊँगी और इससे इजी और नहीं हो सकता है। बस अभी गाजर को हम अच्छी तरह से छील लेंगे, छिलके हम ग्रेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक एक करके सब गाजर ग्रेट कर ले रही हूँ। हो गया मेरा अभी सभी गाजर ग्रेट करना, बस इतना सा हुआ है। यहाँ पे आधा किलो गाजर के लिए मैं ली हूँ 1 किलो दूध, जो मैं उबालने के लिए रखी थी। ये अच्छी तरह से उबल चुका है। अभी गैस में हम कढ़ाई चढ़ाए हैं। यहाँ पे हम देंगे थोड़ा सा घी। 3 स्पून घी मैं ली हूँ। अच्छी तरह से गर्म होने के बाद ये गाजर को मैं दे दी। गाजर को हम थोड़ा भूनेंगे घी से, कवर कर करके भूनेंगे ताकि गाजर हमारा सॉफ्ट हो जाए। अभी दूध मिला लेंगे। दूध मिलाने के बाद हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि गाजर हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। ये और थोड़ा होगा, बीच बीच में चेक कर लेंगे। अभी जो है हमारा गाजर अच्छी तरह से पक चुका है, तो हम शुगर मिला लिए और इलायची भी कूट कर उसका पाउडर मिला लिए। अभी इसको हम कवर करके थोड़ा और पकाएंगे ताकि ये एकदम ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद हम घर पे जो भी अवेलेबल था ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, आलमंड, वॉलनट, सबको यहाँ पे हम मिला देंगे। और थोड़ा यहाँ पे खजूर का गुड़ भी देंगे, जिससे हमारा अच्छा सा खुशबू और टेक्सचर आ जाए। खजूर गुड़ तो अभी सीजनल है, अभी मिलेगा ये। बस हमारा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। देखिए कितना सुंदर बना है। बस इसको हम काजू किशमिश से गार्निश कर लेंगे। हो गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।